हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी एसएससी बैंक क्लासेज में। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। पहले ये देख लेते हैं हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा है। ये है पिछली वीडियो का जिसमें हमने एक क्यूबॉइड बनाकर उस पर यह देखा था इसमें एज कितने हैं, फेस कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए क्या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये क्यूबॉइड होता है हमारे पास, इसके हमें पेंट कर दिया जाएगा एक साइड से या छऊ के छऊ फेसिस पे, चाहे सिंगल कलर से होगा या डबल कलर से होगा या सब पे अलग अलग कलर होगा, उससे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उनको हमको सोल्व करना है, उनसे हमसे ये पूछेगा तीन साइड से पेंटेड है वो कितने क्यूब बनेंगे, छोटे क्यूब बनेंगे, एक क्यूब के बड़े क्यूब से कितने छोटे क्यूब बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। मैं आपके लिए एक बार क्यूब बना लेता हूँ। मैं इससे पहले आपको पिछली बातें थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब करने के बाद हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये क्यूबॉइड के जो कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर होते हैं क्यूबॉइड के 8, इनको होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्नर। ये होते हैं 8 क्यूबॉइड के कॉर्नर होते हैं 8, और जो इसके फेस होते हैं क्यूब के ये होते हैं 6। 1 जो हमारा एक रूम है उसके हम जो दीवारें देखेंगे ऊपर वाली नीचे वाली और चार साइड वाली दीवारें, उनको ही बोलते हैं फेस, वो होते हैं 6। ये होते हैं ये जो लाइन है इनको बोलते हैं हम एजिज। ये होती हैं 12, एक ये एक यो एक ये एक ये, 4 ये हो गई और 4 ही नीचे 8 और 4 ये लाइन, ऐसे ये होगी 12। और आपको अब मैं एक बताता हूँ कि एक हमारे पास मान लो क्यूब गिवन है जिसका वॉल्यूम 216 है। एक क्यूब है हमारे पास जो लार्जर क्यूब है, या मैंने मान लिया लार्जर क्यूब जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, साइड है 6 सेंटीमीटर यानी 6 यूनिट। अगर हमें इस क्यूब को स्मॉल क्यूब में डिवाइड करना है जिसकी साइड 2 हो, स्मॉल क्यूब वाले की साइड 2 हो, तो इस टाइप से हमारे पास कितने क्यूब बन जाएंगे ये निकालना है। तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे उसे, जो हमारे बड़े वाले क्यूब है, जैसे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, इसका हम बड़े वाले का वॉल्यूम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब यानी 6 × 6 × 6। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। और हमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब फॉर्म्ड ये हम क्या लिखेंगे, 6 × 6 × 6 / 2 × 2 × 2, यानी हमको क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3 यानी 27। यानी एक हमारे पास जो लार्जर क्यूब है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है और स्मॉलर क्यूब है उस 2 सेंटीमीटर के, उससे हम कितने नंबर छोटे वाले क्यूब बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं 27, उसे निकालेंगे हम ऐसे। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है एक क्यूब जो हमारे पास छोटे क्यूबों की संख्या है वो 216 है, अगर हमें छोटे क्यूबों की संख्या 216 है तो हमें उसे साइड निकालनी होगी। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है एन का क्यूब, एन की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 6, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए का क्यूब, ए क्या है साइड, वेयर ए इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, उसका ये फार्मूला होता है। हम इन्हीं का यूज करके निकालेंगे और हम इन्हीं का यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको सबको बताया है। आप थोड़ा इसे आपको मैं मानता हूँ ये समझ में नहीं आया, पर हम इसे क्वेश्चन करते टाइम आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, हम क्यूब को मान लेते हैं सिर्फ एक ही कलर से पेंट कर दिया, छऊ फेसिस को सिर्फ एक ही कलर से पेंट कर दिया। मैं एक बार आपके डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने ये मान लिया इस क्यूब को मैंने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया,
ये जो एक कट बना दिख रहा है इससे हम एक क्यूब अलग से निकाल सकते हैं। और मैंने ये इस क्यूब को सिर्फ एक ही कलर से पेंट कर दिया, मान लो मैंने इसे वाइट कलर से ही पेंट कर दिया, तो हमें क्या क्या मिल सकता है। जो हमारे पास ये कॉर्नर वाले क्यूब हैं उसका तो एक फेस ये पेंटेड होगा, एक ये पेंटेड होगा, एक ये पेंटेड होगा, यानी इसके सिर्फ तीन ही फेस पेंटेड होंगे। जो अंदर की साइड वाले फेस हैं वो इसके पेंटेड नहीं होंगे क्योंकि हम इसे काट के निकाल लेंगे। यानी जो ये कॉर्नर वाले हैं ये तीन साइड से पेंटेड होंगे, और कॉर्नर पर कितने होते हैं, हमारे कॉर्नर होते हैं एट, तो हमारे जो एट क्यूब हैं स्मॉलर क्यूब वो एट पेंटेड होंगे तीन साइड से। जो हमारे पास कॉर्नर के क्यूब हैं वो थ्री साइड से पेंटेड होते हैं, थ्री साइड पेंटेड, और इनकी संख्या कितनी होती है एट, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, और इसके पीछे वाले ये 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 ये, इनकी संख्या होती है आठ। जो हमारे पास मिडिल के क्यूब होते हैं वो कितने साइड से पेंटेड होते हैं, टू साइड से, और मिडल वाले मैं इनको बोल रहा हूँ ये इस लाइन पर जो क्यूब पेंट इस लाइन पर, यानी इस लाइन पर ये दो, ये तो कॉर्नर पे आ गया, ये भी कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे, तो हमारे पास ये वाले क्यूब हैं जो ये टू साइड से पेंटेड होंगे इसी टाइप से। इस साइड वाले जो हमारे मिडल क्यूब हैं वो टू साइड से पेंटेड होंगे, और इनकी संख्या का फार्मूला क्या होगा, 12 × n-2। ये हमने कहाँ से लिखा, 12 तो होते हैं एजिज वन, ये एजिज 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने आपको बताया था एजिज 12 होते हैं, 12 तो ये हो गया, और ये हम इस फार्मूले से लिखते हैं n-2। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, एजिज को मान के हम 12 लिखेंगे, और ये इनको हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे एक ये एक ये एक ये 12 होंगे। और हमने इसमें जो क्यूब है इसमें हमने दो लाइन ड्रॉ करी हैं, दो लाइन तीन क्यूब बनेंगे, 1, 2, 3, 3-2 यानी 1, ये आ गया 12 ही। इस टाइप से हमें ये मिल गया। मैंने और इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले आप थोड़ा सा बेसिक ही समझो। जो हमारे सेंट्रल वाले क्यूब होते हैं, सेंट्रल वाले यानी ये वाले जो सेंट्रल क्यूब होते हैं वो वन साइड से पेंटेड होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, ये फेस हैं जो बीच में है, यानी ये फेस की बात कर रहे हैं हम, ये होते हैं 6। ये याद करने का तरीका है, जैसे मैंने भी याद किए हैं आप भी ऐसे याद करो। और इसमें n-2 का स्क्वायर, हम नीचे जाते जाएंगे तो स्क्वायर हमारे बढ़ते जाएंगे, यानी पहले तो हमने लीनियर ली थी, फिर क्वाड्रेटिक, और फिर लेंगे क्यूबिक। ये होते हैं हमारे 6, 1, 2, 3, एक इसके पीछे वाला, एक इसके पीछे वाला, एक इसके नीचे वाला, यानी जितने फेस होते हैं इस टाइप से इतने ही मिलेंगे। जो हमारे इनर क्यूब होता है, यानी जो जो ये फेसिस से जो बाकी बच गया, जो हमारे इसके मिडल में होता है, इसके भी अंदर, इसके भी अंदर, एक बॉक्स के अंदर होता है, जैसे आप कमरे के अंदर जो क्यूब बच गए, यानी जो क्यूबॉइड के जो कॉर्नर को टच ना करते हुए, या मिडल को भी टच ना करते हुए, यानी इस वाले फेस को भी टच ना करें, नहीं एज को टच करें, मतलब वो जो किसी भी फेस को टच नहीं करते उसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, यानी बिल्कुल अंदर वाले, वो होते हैं 0 साइड से पेंटेड, उनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होता। और उनकी संख्या कितनी होती है, सेंटर तो एक ही होता है क्यूब का, ये 1, तो 1 × n-2 का क्यूब। अब आपको ये देखा होगा ये n कहाँ से आ गया, n को हम कैसे निकाल लेंगे, n = क्या लिखेंगे, जो हमारा बिगर क्यूब है, बिगर क्यूब की लेंथ डिवाइड बाई स्मॉलर क्यूब की लेंथ, n की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे।
और ये मैंने जो ये आपके जो क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाने से पहले ये बताया था, मैंने इसी के लिए समझाया था एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका यूज भी अच्छे समझ में आएगा। अब मैं जो ये बातें हैं मैं इनको एक बार दोबारा लिखता हूँ और आपको बताता हूँ हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारे कलर लिखता हूँ मछली डायरेक्ट, जो हमारे कलर हैं वो थ्री साइड थ्री कलर थ्री फेस, जो तीन फेस से कलर्ड हैं वो क्यूब होंगे हमारे आठ कॉर्नर वाले। जो टू साइड से कलर हैं उनकी संख्या कितनी होगी, टू इंटू एन माइनस टू, इनकी संख्या ये होगी। और जो वन साइड से कलर्ड हैं उनकी संख्या क्या होगी, एन माइनस टू का स्क्वायर। और जिनका एक भी फेस कलर्ड नहीं है उनकी संख्या होगी एन माइनस टू का क्यूब। और अगर हम इनकी टोटल की संख्या निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, एन का क्यूब। हम इसे सोल्व करके भी देख सकते हैं, आप इसे सोल्व करोगे इसका स्क्वायर खोलने के बाद और इसका क्यूब खोलने के बाद हमें ये ही वैल्यू मिलेगी। और हमें और इसमें हम एन को कैसे निकालते हैं, बिगर क्यूब की लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट क्यूब लेंथ, इसका हम यूज करेंगे। इसे आप अच्छे से याद कर ले, हम इसके डायरेक्ट यूज इसका हम फार्मूला डायरेक्ट यूज करके हम निकालेंगे। और मैंने इनको आपको ये प्रूव करके भी दिखा दिया, जब हम टू लाइन ड्रॉ करते हैं यानी एक क्यूब की जो साइड, मैंने ये दो लाइन इसलिए ड्रॉ की, मैं ड्रॉ तो एक भी कर सकता है पर जब हम एक ड्रॉ करते इस क्यूब के अंदर एक ड्रॉ करते तो हमारे पास जो ये सेंट्रल वाले क्यूब हैं ये नहीं आते, तो इसलिए हमने ये सारे कंसीडर में आ सकें तो हमने इसलिए ये दो लाइन ड्रॉ करी हैं। और इसको हम जो एक फेस है उसको नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन नाइन क्यूब में यहाँ से डिवाइड किया, फिर यहाँ से। और हमें इसके कितने पार्ट मिलेंगे, इसमें हमने इसकी माननी है नाइन, जो इसकी लेंथ है क्यूब की बड़े वाले क्यूब की लेंथ माननी है नाइन और छोटे वाले की माननी है थ्री, इसी मानकर हमने किया है। ये मैंने आपको जर्नल के लिए लिख दिया और केस ये मैंने सिंपल वाला लिया ताकि आपको अच्छे समझ में ये आ सके। ये नाइन माननी है मैंने क्यूब और स्मॉलर क्यूब की लेंथ माननी है हमने थ्री। और ये थ्री आने के बाद जितने हमारे एन की वैल्यू होती है उसे हम एक कम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी हम क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा क्योंकि जब हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से और भी अच्छे समझ में आएगा। तो हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये क्या लिखा है, एक कलर्ड क्यूब कट इन टू 216 स्मॉलर क्यूब देन हाउ मैनी कलर लेस क्यूब आर देयर। इसमें हमें बोल रहा है क्यूब है जो एक ही कलर से पेंटेड है उसे हम 216 स्मॉलर क्यूब में डिवाइड कर देते हैं तो उसके कलरलेस क्यूब कितने होंगे, उनके अंदर कलरलेस क्यूब कितने होंगे। अगर हमें यानी क्यूब इसमें हमें क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब दे रखे हैं, टोटल की वैल्यू दे रखी है 216 और टोटल हम कैसे निकालते हैं एन क्यूब से, तो एन क्यूब की वैल्यू हमें दे रखी है 216 तो हम यहाँ से एन की वैल्यू हमें मिलेगी 6 और हम कलरलेस यानी जीरो फेस कलर्ड क्यूब कितने होंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे एन माइनस टू होल का क्यूब। एन की वैल्यू 6 रखने पर हमें क्या मिलेगी, 6 माइनस टू 3 का क्यूब यानी 4 का क्यूब यानी हमें मिल गया 64 आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से और थोड़ा सा अच्छे लेवल तक जाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, ये क्या है, कलर क्यूब ऑफ 14 सेंटीमीटर इज कट इन टू स्मॉल क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर देन नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म ऑफ वन साइड पेंटेड। यानी हमें जो बड़े वाला क्यूब है जिसकी साइड
हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, और उसको हम समांतर क्यूब के 2 सेंटीमीटर में कट करते हैं जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो हमें कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी वन साइड पेंटिंग होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू बिगर साइड की जो क्यूब है उसकी लेंथ और डिवाइड में स्मॉलर साइड की क्यूब की लेंथ। यानी एन की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, जो बड़े वाले क्यूब है उसकी लेंथ 14 है और छोटे वाले क्यूब की लेंथ 2 है, तो हमें मिलेगी 7। एन की वैल्यू 7 मिल गई, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब मिलेंगे 7 की पावर क्यूब, यानी 3 4 7। पर हमें ये तो निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है वन साइड से पेंटेड कलर्ड वाले क्यूब कितने होंगे छोटे वाले। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक साइड से पेंटिंग वही होगा जो फेस पे होगा यानी सेंटर वाला, और फेस कितने होते हैं 6, वन साइड पेंटेड, तो हमारे पास फेस कितने होते हैं 6। उसमें क्या लिखते हैं, n माइनस 2 का स्क्वायर, और n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 × 5 का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा ये। अब इसे हम फर्दर सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 × 5 = 30, 6 × 18 = 220, 200 क्यूब्स, ये हमें मिलेगा 150, यानी 6 × 5 = 30, 6 × 12 = 315, 150 क्यूब्स मिलेंगे हमें छोटे जो वन साइड से पेंटिंग पेंटेड होंगे। ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, ए कलर क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब, देन फाइंड एट लीस्ट 2 सरफेस कलर्ड। इसमें हमें क्या दे रखा है, जो हमारे कलर्ड क्यूब है उसको हम 125 स्मॉल क्यूब में कट कर देते हैं, और हमें निकालना ये है कम से कम 2 सरफेस कलर्ड हो, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी 2 हो, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे पेंटेड हो सकते हैं 3। तो हमें क्या निकालना है, 2 साइड कलर्ड प्लस 3 साइड कलर्ड, हमें निकालना ये है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले चाहिएगी हमें एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब की वैल्यू दे रखी है 125, यानी हमारे हमको गिवन है एन क्यूब की वैल्यू, तो हम यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो दोनों साइड तो हमें मिलेगी 5, एन की वैल्यू मिलेगी 5। अब हम इनके लिए इसमें पुट करेंगे फार्मूला को, आपको याद होगा 2 साइड कलर क्यूब का फार्मूला होता है, 2 साइड यानी हमारे होते हैं जो मिडल वाले पेंटेड, यानी उनके एज होते हैं 12, n − 2, ये तो हमारे हो गए 2 साइड कलर्ड, और 3 साइड कलर्ड का क्या होता है, यानी कॉर्नर वाले उनकी संख्या होती है 8, ये हमने लिख ली उसकी संख्या 8, और n की वैल्यू हमें मिलेगी 5, तो इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12, n की वैल्यू 5 − 2 + 8, इसे सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 12 + 3 + 8, 12 × 3 = 36 और 8 हमें मिल गया 44, ये हमारा आंसर आ गया। एटलीस्ट होता है कम से कम, और नॉट मोर देन, अगर हमको ये गिवन होता नॉट मोर देन 2 सरफेस पेंटेड, यानी 2 से ज़्यादा पेंटेड नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं, यानी 0, 1, 2 हम इसके लिए निकालते, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन का मतलब ये है, मैंने आपको बता दिया, अगर ये दे दिया हमको फाइंड द कलर्ड क्यूब उज सरफेस 2 सरफेस आर
appended. Find the colored cube whose not more than two surface are painted. यानी दो से ज्यादा painted नहीं होने चाहिए. उसके लिए हम निकालेंगे जीरो सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड और टू सरफेस पेंटेड. उसके लिए हम ये निकालेंगे. यही दो ही आते हैं जो हमें थोड़ा सा आप ये समझोगे तो बहुत ही आसानी से कर लोगे. ये तो पढ़ा हमने ये आज की वीडियो में. इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे जब जब हमारा क्यूब मल्टीपल कलर से पेंटेड है और तब हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में. यह आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वीडियो देखने के लिए. धन्यवाद आप सभी का.